पर पीलीभीत जनपद से जहां कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम सुंदरपुर के रहने वाले नौबत पुत्र मंगली प्रसाद बीती रात पीलीभीत से मजदूरी कर अपनी बाइक से वापस अपने घर आ रहा था। इसी बीच लालपुर चौराहा पर तेज रफ्तार इको गाड़ी चालक के द्वारा तेजी व लापरवाही के कारण बाइक में टक्कर मार दी गई, जिससे बाइक सवार नौबत गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में परिजनों के द्वारा दुर्घटना में घायल नौबत की मौत होने की जानकारी परिजनों को दे दी गई। परिजनों के द्वारा पुलिस को भी जानकारी दी गई, मगर जहानाबाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करने का आरोप परिजनों के द्वारा लगाया गया। नाराज परिजनों ने आज सुबह हरिद्वार जहानाबाद नेशनल हाईवे लालपुर चौराहा पर मृतक का शव ट्राली से उतार कर हाईवे पर रखकर हाईवे को जाम कर जहानाबाद पुलिस के द्वारा बरती गई लापरवाही पर विरोध प्रदर्शन किया। हाईवे पर जाम होने की जानकारी मिलने पर सीओ सदर सतीश चंद्र शुक्ल सहित कोतवाली सुनगढ़ी पीलीभीत तथा कोतवाली जहानाबाद पुलिस के अलावा यातायात निरीक्षक निर्देश चौहान के साथ भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा तथा मृतक के परिजनों को समझा बुझा कर कड़ी मेहनत के बाद हाईवे पर लगा जाम को खुलवाया गया। मृतक के भाई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीलीभीत से भाई नौबत मजदूरी कर बाइक से वापस आ रहा था। तेज रफ्तार इको गाड़ी चालक के द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण बाइक में टक्कर मार दी गई, जिसमें नौबत की मौत हो गई। वहीं जहानाबाद प्रभारी निरीक्षक प्रभास चंद्र के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि सड़क दुर्घटना होने की सूचना मिली थी। हल्का दरोगा सुशील कुमार के द्वारा शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जब ये